वेलकम बैक टू आर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो जिस टाइम पे हम लोग अपनी टूरिंग वाला पूरा ये प्लान कर रहे थे, तब हम लोग की जो है ये डिवाइस जो है प्रिंस भैया ने लॉन्च करी थी। अगेन वीडियो आप लोगों के पास थोड़ी सी लॉन्च होने के बहुत टाइम बाद आ रही है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी इसके ऊपर R&D चल रही थी, थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग चल रही थी। एंड अगेन नाउ वी आर श्योर अबाउट इट, हम लोग जो है आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं चीज़। तो फाइनली जो है वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो हमारे साथ है प्रिंस भैया हाइपरसोनिक क्लब से, और आज जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो है स्मार्ट व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस। और बेसिकली इसको आप लोग बोल सकते हो या आप लोगों का OBD में कनेक्ट करके आप लोगों की गाड़ी की आप लोगों को राइट लोकेशन राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी गाड़ी का देगा। तो प्रिंस भैया सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि हम लोगों को क्या जरूरत थी भाई ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाने की। भैया एक्चुअली वी आर वेरी मच इनटू होल्ड विद एंड्रॉयड, दिस डिवाइस इज वेरी मच कंसर्न विद एंड्रॉयड, क्योंकि जितनी इसकी एप्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन iOS एंड एंड्रॉयड ओनली। सो वी आर इनटू एंड्रॉयड इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वी हैव गुड होल्ड ऑन द एंड्रॉयड थिंग्स। सो हमें लगा कि हाँ हमें व्हीकल ट्रैकिंग के अंदर एंटर करना चाहिए, बिकॉज देर आर वेरी लेस ब्रांड्स इन द मार्केट हु आर प्रोवाइडिंग गुड व्हीकल ट्रैकिंग सॉल्यूशंस। ठीक है। सो अगर आप लोग पर्टिकुलरली अगर बॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो बॉक्स अगेन जैसा आप लोगों ने एंड्रॉयड के हमारे प्रोडक्ट देखे हैं सारे के सारे, जैसे हम लोग एंड्रॉयड के प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे ही प्रोडक्ट जो है आप लोगों को इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। अगेन हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट कर रहे हैं अनबॉक्सिंग से, और इसकी जो है जो पूरी ये टीम संभालने वाली है वो हमारी टीम थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब भैया ने जो है टीम को वर्किंग में कर दिया है। सो प्रिंस भैया इसको एक बार ओपन कर दो, एक बार थोड़ा सा ऑडियंस को दिखा देते हैं कैसे ये देखने में लगता है। तो ये बिल्कुल पन्नी पैक लेके आया, आप लोग ऐसा लग रहा होगा हमने टेस्टिंग नहीं करी, लेकिन हमने टेस्टिंग कर ली है, लेकिन स्टिल आप लोगों के सामने एक अनबॉक्सिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ किसी भी तरीके की कोई भी पन्नी आप लोग जो है नीचे ना फेंके, हमेशा जब भी अगर आप कुछ चीज़ ओपन करते हैं तो उसको अपनी जेब में रख लीजिए। बाकी दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। और अगर आप लोगों ने किसकी ऐप जो है डाउनलोड करनी है तो ऐप स्टोर और गूगल पे में आप लोगों को दोनों में ऑप्शन मिल जाता है। अगेन बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स है जिसके बारे में मैंने मीनवाइल आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ के थ्रू बताया, जिसमें स्कैनिंग का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, लेकिन होता क्या है कुछ टाइम बाद 1 से 1.5 साल बाद वो ऐप जो है वो फजी हो जाती है, मतलब वो थोड़े थोड़े पैसे ज़्यादा मांगने लग जाते हैं। तो प्रिंस भैया इसमें प्लान्स के बारे में आपने क्या सोचा एक बार बता दो। सर वी आर कमिंग अप विद 2 segments, वन इज़ अ 1 year segment, another one इज़ अ 3 year segment. एंड वी आर कमिंग अप विद 2 models एंड another मॉडल विल बी इन आवर लाइन अप। तो हम 2 model से स्टार्ट कर रहे हैं, वन इज ट्रैक प्रो एंड अनदर वन इज OBD प्रो। ठीक है। तो टैग प्रो बेसिकली आप लोगों का जो है जिन लोगों को बिल्कुल अपनी गाड़ी में मतलब ऐसा चाहिए कि मैंने बटन दबाया तो गाड़ी ऑन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जिनको इग्निशन कट ऑफ चाहिए गाड़ी के लिए उनके लिए हम ट्रैक प्रो रिकमेंड करेंगे। ठीक है। जिनको इग्निशन कट ऑफ नहीं चाहिए और सही सिर्फ आपको व्हीकल स्टेटिस्टिक्स एंड व्हीकल ट्रैकिंग चाहिए उनके लिए हम OBD प्रो को रिकमेंड करेंगे। ठीक है। तो अभी जो हम अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं दिस इज OBD प्रो, वाइल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में ऑलरेडी ये लगा हुआ है, सो मैं स्कैन कर रहा हूँ। अगेन प्रिंस से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि भाई अगर बाई चांस इसको मैंने लगा रखा, किसी ने मेरी गाड़ी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी या कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो प्रिंस ने मेरे को बताया कि ये अलार्म भी आप लोगों को जो है दे देता है, मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन जो है हम लोगों को मिल जाती है। नोटिफिकेशन आएगी अगर गाड़ी आपकी मोमेंट किस तरीके की होती है और गाड़ी का इग्निशन आपका ऑन नहीं है, ठीक है, तो ये आपको नोटिफिकेशन पुश करेगा। करेक्ट, क्योंकि इंटरनल बैटरी है इसके अंदर में, डिवाइस के अंदर में। ठीक है। तो उसका बैकअप कितना होता है कुछ आइडिया? भैया इसके अंदर 4 घंटे का बैकअप है। एंड स्पेशली मैं आपको जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसके अंदर पार्किंग मोड ऑन करते ही हमारी गाड़ी के अंदर आपकी कोई भी मूवमेंट होती है विदाउट इग्निशन तो हमारे पास नोटिफिकेशन आती है उस चीज की। अच्छा, अगर बाय चांस कभी क्या होता है हम लोगों का डेटा ऑफ हो रखा है या फिर किसी तरीके से मतलब हम लोग जो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे तो उस टाइम पे क्या होगा? सर देखो, पहले नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन नहीं रिस्पॉन्ड करी अलार्म बजेगा, अलार्म भी आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो हमारे में स्पेशल फीचर है, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम IVR। तो IVR क्या होता है भाई ये थोड़ा बता दो। IVR देयर विल बी अ नंबर, स्पेसिफिक नंबर, जिससे आपकी गाड़ी आप कुछ भी इग्नोर कर लोगे लेकिन रात को जब 2 बजे अगर आपके फोन के ऊपर एक कॉल आएगी योर कार इज इन डेंजर, वो IVR आपको तो बंदा डर तो नहीं जाएगा, अटैक अटैक तो नहीं आएगा, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और जो प्रिंस और मैं डिस्कस कर रहे थे प्रिंस, पार्किंग मोड जो है ये सब चीजें जो फीचर्स आप लोगों की कवर होती है ये पार्किंग मोड के अंदर होती है। हाइपरसोनिक इजी टू यूज ऐप और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली, हमने इंटरफेस उसका ऐसा बनाया कि उसको एक, मैं अगर बात करूं एक 40 प्लस का बंदा है और एक 25 प्लस का बंदा है, सो बोथ ऑफ देम कैन यूज इट प्रॉपर्ली। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। सो अब इसके हम लोग एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगेन मैंने आप लोगों को सब चीज़ें जो है इसके बारे में बता दें, प्रिंस भी एक बार खोल के। सो भाई ये ओपन होते ही आप लोगों की जो डिवाइस है दिस इज हाउ द डिवाइस लुक्स लाइक। डिवाइस से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप लोगों का ब्रोशर जो है इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, OBD GPS ट्रैकर, और इसी के साथ में आप लोगों को जो है यहाँ पर एक बार ट्रैकर का आप लोग लुक चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द ट्रैकर लुक्स लाइक। यहाँ पर जो है आप लोगों की पूरी लाइटिंग जो है जल जाएगी। एंड अगेन प्रिंस भैया इसको पकड़ लो, मैं आप लोगों को मीनवाइल बता देता हूँ कि हर गाड़ी के साथ जो है आप लोगों का OBD का लगाने की जो लोकेशन होती है वो अलग अलग होती है। मेजॉरिटी टाइम आप लोगों का जहाँ से गाड़ी का आगे का पूरा ओपन होता है वहीं पर आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरफ अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, सो इसको आपने निकालना है।
ठीक है, और इसके ऊपर लिखा भी होगा अगर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंस भैया एक बार ऑडियंस के साथ ये भी चीज़ शेयर करना ज़रूरी है, अगेन जो पावर कट वाला है जिसमें हम लोग इग्निशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ में हम कोई वायर की ऑल्टरेशन या कुछ तरीके की चीज़ तो नहीं करते जिससे हमारी वारंटी वाइड हो जाए? सर, हम वायर कोई भी टेम्पर नहीं करेंगे गाड़ी की। विल बी प्रोवाइडिंग 4 इग्निशन क्लिप्स जो हमारी वैरायटी ऑफ कार्स जो है 95% कार्स को पूरा कवर करेगा, ठीक है, लाइक टोयोटा, होंडा, महिंद्रा, हुंडई, तो उसके अंदर आपकी कोई भी वायर टेम्पर नहीं होगी गाड़ी के अंदर, ठीक है। इवन फॉर इग्निशन कट ऑफ, हाँ, विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम गाड़ी के अंदर, मेरी गाड़ी में, आपकी किसी गाड़ी व्हीकल के अंदर हम इग्निशन कट ऑफ वाला मॉडल लगाएंगे और उसको हम आपको इग्निशन कट ऑफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हम लोग ओबीडी लगा रहे हैं, एक बार आपको ओबीडी लगाते हुए दिखाता हूं, फिर आपसे बात करते हैं। अब हम लोग जो है आप लोगों को चेक कराने वाले कि डिवाइस लगने के बाद कैसे लगती है गाड़ी। ऑलरेडी इग्निशन में है, अगेन आप लोगों को गाड़ी ऑन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को आई गेस लाइट जो है वो जलती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रिंस भैया सबसे पहली चीज, प्रिंस भैया जो है अपने फोल्ड में आप लोगों को बड़ी स्क्रीन में कुछ बड़ी चीज़ दिखाएंगे, तो एक बार ब्राइटनेस फुल कर दो भैया पहले तो इसकी, और थोड़ा सा हम लोगों को आई गेस इस तरफ आना पड़ेगा जिससे हम थोड़ा क्लियरली दिखा सके। सबसे पहले ऐप का नाम क्या है जो हमारी ऐप है? ऐप का नाम हमारा हाइपरसोनिक ट्रैक है, हाइपरसोनिक ट्रैक, हाँ जी। और हमने बड़ा इजी सा हमने ऑप्शन दिया इसको, अगर आप हाइपरसोनिक ट्रैक सर्च भी नहीं करना चाहते, कैन यू होल्ड द बॉक्स फॉर मी, ठीक है। स्कैन क्यूआर कोड पे मैंने क्लिक किया, क्यूआर कोड यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है हमने, ये दिस इज द बिग क्यूआर कोड, ठीक है। सो विल बी स्कैनिंग द कोड, स्कैन करते ही हम प्ले स्टोर में एंटर हो गए। अगर हमारा विल बी यूजिंग iOS डिवाइस, विल बी एंटरिंग द, मैं तो यूज कर ही रहूंगा, अगेन मैं बीजी जो फीडबैक देता रहूंगा, इंस्टॉल कर रहा हूं हाइपरसोनिक ट्रैक को, इंस्टॉलिंग दिस ऐप। बड़ी स्क्रीन लेने का भैया कुछ तो फायदा, भैया इसकी स्क्रीन तो टूटती नहीं मोड़ने में? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं टूटी, अभी तक बाकी नहीं। आपके हाथ में दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। सो अगेन अभी हम लोग डिवाइस 22.32 MB की ऐप है, ये इट्स अ वेरी लाइट ऐप एंड वेरी यूजर फ्रेंडली। यहां पर जो है एक बार ऐप ओपन कर देते हैं, सो विल बी, ठीक है, व्हाइल यूजिंग ऐप, व्हाइल यूजिंग ऐप, ठीक है, व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ, ठीक है। सो गाइस यहां पर आप लोगों का लॉगिन का पेज आ चुका है। अगेन आप लोगों ने हाइपरसोनिक का जो कलर कॉम्बिनेशन देखा है सेम यहां पर है, यूजर नेम पासवर्ड यानी कि आप लोगों का फोन नंबर मोस्ट प्रोबब्ली, तो न्यू यूजर साइन अप कर लीजिए। हम लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, आप लोगों को एक बार बता देते हैं। इसमें साइन इन करने के लिए आप लोगों को जो है अपना अगेन कंट्री सेलेक्ट करना है, जो कि ऑफ कोर्स ही बात है इंडिया, एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन, है ना प्रिंस भाई, है ना भाई, ठीक है। तो +91 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग यूजर नेम यानी कि अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, देन आप लोगों ने अपना पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड करना है, और उसके बाद आप लोगों ने थ्रू जाना है। सो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस मैं इससे नहीं करना चाहता क्योंकि नंबर जो है वो आप लोगों को प्रिंस भैया का ऑलरेडी पता है। अब मैं अपना नंबर इसमें डालना नहीं चाहता हूं, तो मैं अपना सीधे इसमें रजिस्टर करता हूं और उसके बाद आप लोगों को लाइव ट्रैकिंग दिखाता हूं। इन कैसे करते हैं प्रिंस भैया, जैसे 3, 2, 1 एक बार चुटकी मारो। यहाँ पर आप लोगों का जो इंटरफेस है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जैसा आप लोगों को बताया प्रिंस भैया ने, हमारी अपनी ऐप है, तो ऐप के अंदर लॉगिन करने के बाद ये कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लॉगिन वाली चीज़ें इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, साथ ही साथ में सिक्योरिटी रीजन की वजह से। नीचे की तरफ में अगर आप लोग आते हो तो पहले में आप लोगों को आपकी गाड़ी की लोकेशन देखने को मिलेगी। इस टाइम पे हम लोग जो है तालकटोरा स्टेडियम के पास है, तो तालकटोरा स्टेडियम वाली जो लोकेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग अच्छे से देखना चाहे तो यहाँ पर तालकटोरा लिखा हुआ है पीछे, थोड़ा सा अगर हम इसको ज़ूम इन भी कर देंगे ना, देख लो भाई, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम और ये सब कुछ, पूरी लोकेशन हमारी पर्टिकुलरली ये सही दिखा रहा है। और ये हमारी गाड़ी की लोकेशन है यानी ये, और ये प्रिंस भैया, और मतलब जो मैंने पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर देखता है वो मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को माय कार जो है देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में यहाँ पर एड्रेस जहाँ पर अभी हम लोग है, तो व्यू ऑल व्हीकल्स, मतलब दो व्हीकल्स इसमें हमने ऐड की हुई है, एक हमारी टेस्टिंग है, एक मेरी गाड़ी है। 16 मिनट यानी गाड़ी जब तक रुकी हुई है। GPS और नेटवर्क जो है वो फुल है, जो इसमें आई गेस ये इंडिकेट कर रहा होगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपकी अगर ये गाड़ी रेड कलर से दिखा रहा है 16 मिनट से, मतलब ये गाड़ी खड़ी हुई है, अगर ये ग्रीन कलर में होता तो 16 मिनट से गाड़ी चल रही है आपकी, ठीक है। तो मतलब ये, मतलब अभी जैसे हमने इग्निशन ऑन कर रखा है तो ये हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है जी, अगर हम बंद कर दे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी उस टाइम पे, केवल अगर कोई गाड़ी के साथ छेड़खानी करता है वो इन्फॉर्मेशन है जी, बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप गाड़ी की छेड़खानी की बात कर रही हो, जैसे ये पार्किंग मोड है, ठीक है, अब इस पार्किंग मोड को अगर हम ऑन कर देते हैं गाड़ी के अंदर में, तो गाड़ी के अंदर कुछ भी होगा, कुछ भी मिसअप होती है, तो मैंने जो आपको IVR वाला फीचर बताया था वो एक्टिवेट हो जाएगा। पहले नोटिफिकेशन आएगी, अलार्म आएगा, अलार्म के बाद आपको IVR से कॉल आएगा, ठीक है, इसके अंदर में। और इस पार्किंग मोड को आप शेड्यूल भी कर सकते हो, जैसे आपको शेड्यूल करना है इसको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप अपने घर पे, मेरी गाड़ी रात को 10 बजे पार्क होती है और सुबह मैं 7 बजे पार्क आउट करता हूँ गाड़ी को, सो यू कैन ऑल्सो शेड्यूल द पार्किंग मोड एज वेल। और आप शेड्यूल नहीं करना चाहते, आप किसी ऐसी लोकेशन पे गाड़ी आप खड़ी कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है गाड़ी की लोकेशन अभी सिक्योर नहीं है, तो उसमें आप उस टाइम पे उस पार्किंग मोड को ऑन ऑफ अपने हाथ से कर सकते हो। चलो भाई ठीक है, इसके साथ में नोटिफिकेशन वाला भी दबा दो भाई, बार एक बार ऑडियंस को चेक करा दो, जो भी नई नोटिफिकेशन होगी, इग्निशन ऑफ, अलर्ट ऑफ माय कार, ये सब चीजें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दे रहा है। और आप लोगों को डेट देखने को मिल जाएगी, ये डेट को हम लोग पावर कट अलार्म यहाँ पे दे रहा है क्योंकि हमने डिवाइस को एक बार प्लग आउट करा था, ठीक है, तो मतलब उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो प्रिंस भैया एक बार इसको अपने हाथ में पकड़ो,
ठीक है। और मैं यहाँ से जो है इसको भी इसको क्लिक करके आप लोगों को बता देता हूँ गाड़ी आपकी कहाँ पर रजिस्टर की जाती है। तो एडिट व्हीकल इन्फॉर्मेशन में हमने दो गाड़ियाँ जो है यहाँ पर रजिस्टर की है, ये माई कार है। अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, अगेन ये चीज़ हम शेयर भी जो है आप लोगों के साथ नहीं कर रहे। और बाकी प्रिंस भैया एक बार ऑडियंस के साथ ये भी शेयर कर दो कि ये OBD जो है ये कितना सिक्योर्ड है, मतलब इसका जो डेटा है वो हम भी नहीं कर सकते ना? इसका डेटा हम सर्वर पर बिल्कुल सिक्योर्ड है, इसका डेटा हम भी एक्सेस नहीं कर सकते। चलो भाई ये वी कैन नॉट एक्सेस द डेटा। अगर आपकी गाड़ी मेरे पास आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो ही मैं देख सकता हूँ कि गाड़ी की लोकेशन कहाँ पे है। इफ यू चेंज योर पासवर्ड आई कांट इवन सी योर लोकेशन एज वेल। अच्छा, इसमें एक वो जो एक बड़ा अच्छा फीचर आपने मेरे को बताया था कि रूट दिख जाता है, क्या रूट? बिल्कुल, ये गाड़ी के ऊपर हम अपने व्हीकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा, ये पाथ रिप्ले आपका आ जाएगा। पाथ रिप्ले पे हम क्लिक करेंगे, ये इग्निशन पाथ लास्ट करंट इग्निशन टू लास्ट इग्निशन आपका शो करेगा, डेली पाथ है ये आपका, ठीक है। और उसके बाद में आपका रूट रिप्ले, हम गाड़ी को मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि हम एक बार एक राउंड लेकर के आएँ गाड़ी के अंदर जाके और रूट रिप्ले हम दिखाएं तो उसमें हमारी गाड़ी इस लोकेशन से यहाँ पर आई तो वो किस रास्ते से होती हुई दिखाई, वो पूरा रूट आपको रिप्ले होकर ना ये दिखा देते क्या ऑन कैमरा? बिल्कुल, वी आर रेडी फॉर इट, लेट्स डू इट। इज प्रिंस भैया और मैं एक गेड़ी मार के आ चुके हैं, रास्ते में ड्राइव कर रहे थे। अभी आपकी वर्किंग कंडीशन में तो ग्रीन दिखा रही है, हमारा इग्निशन ऑन है, गाड़ी चल रही है, ठीक है। अभी हम इसी में जा रहे हैं, पाथ रिप्ले के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद हम पाथ रिप्ले पे क्लिक करेंगे। और आज का हमारा पाथ रिप्ले हम करते हैं इसको, आज की डेट हमारी 25 तारीख है, ठीक है। हमने ओके करा, फेचिंग प्लेबैक डेटा, ये हमारा डेटा आ गया। हम सीधा गए थे, हम एक राउंड लेके आए, अब ये गाड़ी हमारी किस तरीके से गई थी, किस तरीके से आई थी, ये हमारी थार है, ये गई, ये हम इस तरीके से सीधा यू टर्न मार के आ गए। हाँ जी बिल्कुल, वापस आ गए। दिस इज आवर पाथ रिप्ले, तो इससे हमें रूट पता चल जाएगा कि गाड़ी ने क्या रूट लिया। और हमारे नंबर ऑफ स्टॉप्स जो थे, हम दो बार रेड लाइट पे रुके, तो यू कैन सी द नंबर ऑफ स्टॉप्स इज 2 ओवर हियर। वेरी नाइस, मतलब हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। वेरी नाइस। तो भाई ये ऐप जो है ये अब डन हो चुकी है, और ये भाई अब तो आप लोगों ने मुसाफिर भैया के थ्रू भी देख लिया, प्रिंस भैया इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। और कोई चीज है प्रिंस भैया? बिल्कुल भैया, अगर आपका रूट लंबा होता है 2 घंटे 2.5 घंटे का, तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, जैसे 4x में करके हमने इसको प्ले कर दिया, बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड में चल जाएगी अगर रूट लंबा है तो। अब इसको हमारा रूट छोटा था तो हम इसको 1x में प्ले करेंगे। वेरी नाइस, ये गाड़ी गई और ये गाड़ी हमारी इसी रूट से हमारी गाड़ी वापस आ गई। डन है, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, प्रिंस भैया ने एक एक चीज आप लोगों को बता दी है। बाकी जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस टाइम पे हो सकता है मेरा टूर कंप्लीट हो गया हो, या पता नहीं मैं ऑन टूर हूँ, तो ये मैंने टूर से एक दिन पहले जाने से पहले जो है वीडियो शूट करी है। और आई गेस आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और एक बार थम्स अप कर दो प्रिंस भैया बढ़िया तरीके से। और इसके लिए जो है हम लोग नए नंबर्स आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए हाइपरसोनिक वाले नंबर्स विल नॉट वर्क, ऑल्दो ये हाइपरसोनिक का ही ब्रांड है, बट इसकी टेक्निकल सपोर्ट टीम एंड सेलिंग टीम एवरीथिंग इज डिफरेंट। ऑल इंडिया हम आपको ट्रैकर अवेलेबल करवा देंगे, इंस्टॉलेशन के लिए भी हम आपको ऑल इंडिया, अगर आप OBD परचेज कर रहे हैं वो तो आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे प्लग एंड प्ले डिवाइस। ट्रैक प्रो के लिए भी हम इंस्टॉलेशन आपकी ऑल इंडिया हम अवेलेबल करवा देंगे, अगर आपको इंस्टॉलेशन चाहिए, इंस्टॉलेशन सर्विस चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है उस चीज के अंदर भी। सब्सक्रिप्शन हम आपको दो मॉडल्स दे रहे हैं, 1 ईयर और 3 ईयर, अब जो परचेज करना पड़ेगा। क्या कॉस्टिंग है भैया? इसके अंदर हमारे पास 4 मॉडल्स आ रहे हैं, सो लाइक विल बी कमिंग विद अ ट्रैक प्रो, दैट जिसकी MRP 8500 है, दैट्स द MRP, एंड देन फिर ट्रैक प्रो 3 इयर्स, MRP 10600, ठीक है। देन कमिंग टू द OBD 1 ईयर जो आपकी गाड़ी में लगा, ये 12350 की इसकी MRP है, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द OBD 3 इयर्स, इट इज 15500 रुपीज अगेन। और कितना है भैया, मतलब रिन्यूअल करने का कोई चार्जेस होता है क्या? हाँ जी, रिन्यूअल करने के आपके राउंड अबाउट 3000 रुपीज के चार्जेस है, ठीक है। और आपका 3 साल वाला अगर आप लेते हो तो आई थिंक दैट्स मच बेटर ऑप्शन की आप 3 साल वाला सब्सक्रिप्शन लो, तो वो भी एक अच्छा फीचर है कि 3 साल के लिए आपको कोई टेंशन नहीं, आपको फ्री हो जाओगे, चार्जेस आपको पे नहीं करने 3 साल के लिए, ठीक है। वो एक बेटर रिकमेंडेबल ऑप्शन है गाड़ी के लिए। ट्रैक प्रो आप 3 लो या OBD 3 लो, उसमें आपको 3 इयर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा इसके अंदर। चलो भाई, प्रिंस भैया की आपने बात सुन ली है, अभी मैं हाँ, लोग मुझे बोलेंगे कि भैया ये 8500 की डिवाइस 12300, गाइस दिस इज द MRP, वी कांट डिस्क्लोज द प्राइसेस ऑन सोशल मीडिया, सो आप कॉन्टैक्ट करो, यू विल बी गेटिंग द डिवाइस इन अ वेरी गुड प्राइस, सो दिस इज द MRP, डिस्काउंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर आवर कस्टमर्स। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, प्रिंस भैया को यहीं से बाय बाय कर रहे हैं, और बाकी फिर मैं आप लोगों को इसकी और थोड़ी टेस्टिंग करके अपना रिव्यू लेके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गाइस, जिस दिन मेरा टूर स्टार्ट होने वाला है उससे एक दिन पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई,
और टेस्टिंग बहुत पहले से चल रही थी। मैं भी अपनी गाड़ियों में जो है उसको अच्छे से टेस्ट कर रहा हूँ। अगेन iOS में हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, एंड्रॉयड में इट वॉज वर्किंग वेरी स्मूथली, iOS में इसको और ज़्यादा स्मूथ करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बाकी अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना है तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो फ्लैश हो रहा है। और बाकी इंस्टाग्राम में मुसाफिर 8811, फेसबुक में मुसाफिर स्कॉड है। अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हो, आप लोगों के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो आप हाइपरसोनिक के क्लब में भी अगर आते हो अब्दुल अजीज़ रोड में तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में मुसाफिर 8811, फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस एडवाइस करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड।